नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। देश में चुनाव का ऐलान हो गया है। अभी से कुछ देर पहले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। कुल 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और देश में अभी से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मतलब यदि आपने चुनाव से संबंधित किसी नियम को तोड़ा तो आप नपेंगे और 7 चरणों के चुनाव के बाद देश में 23 मई को मतगणना होगी। मतलब देश में अगली सरकार किसकी 23 मई को पता चलेगा और 27 मई के पहले चुनाव की प्रक्रिया खत्म की जाएगी। मतलब 27 मई तक देश को नई सरकार मिल जाएगी। तो 7 चरणों में चुनाव कब कब कौन से चरण का चुनाव होगा आपको हम बताते हैं। पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 18 मार्च को जारी होगी। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 25 मार्च है। स्क्रूटनी 26 मार्च को संपन्न होगा। विड्रॉल 28 मार्च तक संभव है। चुनाव 11 अप्रैल को होगा। काउंटिंग 23 मई को होगी। दूसरे चरण की अधिसूचना 19 मार्च को जारी होगी। लास्ट डेट नॉमिनेशन का 26 मार्च है। स्क्रूटनी 27 मार्च को संपन्न होगा। विड्रॉल 29 मार्च तक संभव है और चुनाव 18 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का चुनाव जिसकी अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी। नॉमिनेशन 4 अप्रैल तक होगा। स्क्रूटनी 5 अप्रैल को होगा तक संभव है। विड्रॉल 8 अप्रैल तक संभव है। चुनाव 23 अप्रैल को कराया जाएगा। मतगणना 23 मई को ही होगी। चौथे चरण की चुनाव की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी और वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। पांचवें चरण के चुनाव की अधिसूचना 10 अप्रैल को जारी होगी और पोलिंग 6 मई को संपन्न कराया जाएगा। छठे चरण के चुनाव की अधिसूचना 16 अप्रैल को जारी होगी और 12 मई को वोट होगा। सातवां चरण मतलब अंतिम चरण, इसकी अधिसूचना 22 अप्रैल को जारी होगी और 19 मई को पोलिंग होगी। मतलब 7 चरणों में देश में चुनाव होने हैं और 23 मई को सभी एक साथ मतों की गिनती होगी। तो अभी से देश में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने और क्या क्या कहा है अभी से कुछ देर बाद आपको फिर से बताते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।